हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत अच्छा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आप सब जानते ही हैं कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मैं गिम्बल का रिव्यू करूँगा। आज की वीडियो में मार्सोर ग्लाइड इस गिम्बल के बारे में बताऊँगा, काफ़ी सारे सैम्पल शॉट भी आपको दिखाऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बजट गिम्बल है, बट इसकी पैकेजिंग काफ़ी सिंपल है। इस साइड में लिखा गया सिनेमैटिक फुटेज एट योर फिंगर टिप्स। अगर मैं आपको पीछे करके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर इसके काफ़ी सारे फीचर मेंशन किए गए हैं। जैसे इसमें आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मिलती है, इसमें आपको फेशियल ट्रैकिंग मिलती है, फोटो टाइमर मिलता है, पैन शॉट मिलता है। और पैन शॉट में अगर आप वीडियो ले रहे हैं ना, तो आप इसमें मूविंग पैन शॉट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी कमाल का है। ओरिएंटेशन स्विच है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। प्लस आपको यहाँ पर 8 घंटे की बैटरी लाइफ, टाइम लैप्स, वो भी आप मूविंग वाला टाइम लैप्स ले सकते हो। एक्चुअली पैन शॉट तो मूविंग ही होता है, बट टाइम लैप्स भी ले सकते हो। एंड ये ब्लूटूथ कंट्रोल्ड है। जैसे ही आप इसकी पैकेजिंग को ओपन करते हैं, कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये ओपन होगा और आपको पहली ग्लिप्स देगा इस गिम्बल की। तो अगर आप दोस्तों ध्यान से देखें ना, तो बड़ी ही सिंपल पैकेजिंग है। एक इसकी यूज़र मैनुअल है, जो कि इसके नीचे पड़ी हुई है। प्लस आपको एक सिंपल सी माइक्रो USB केबल इन्होंने दी है। ये है हमारी गिम्बल, तो आपको इसे बड़े ही ध्यान से निकालना है। सही बताऊँ इस गिम्बल के बारे में, तो यार मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग ये गिम्बल लगती है, क्योंकि जिस बजट में ये हमें ऑफर होती है ना, वो कमाल का है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कुछ ये गिम्बल कुछ ऐसी लगती है। अगर आप देखें कंट्रोल्स बड़े ही सिंपल है, आपको इसमें फ़ोन माउंट करना भी काफ़ी ईजी है। यहाँ पर एक आपको पावर बटन मिलता है, ये दो LED इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पर आपका मोड वाला बटन है, यहाँ पर ओरिएंटेशन स्विच है, और ये रिकॉर्ड वाला बटन है। साइड में आपको स्लाइडर मिलता है जूम के लिए, ये है रीसेट बटन, ठीक है। एंड ये है इसको चार्ज करने वाला पोर्ट, और ये तो आपको पता ही है जॉयस्टिक। इसे ना माउंट करना बहुत ही ईजी है। पहली बात तो मैं अपना 1+6 यूज़ करूँगा इसे माउंट करने के लिए, आप देख सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है, कि ये काफ़ी सिक्योरली माउंट हो जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं ये माउंट है। अगर आपने इसे माउंट करना है, कुछ नहीं करना, आपको करके दिखाता हूँ मैं दोस्तों। अगर आपने इस गिम्बल को ऐसे स्टार्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे टेबल पर प्लेस करना है और अपना जो स्मार्टफोन है ना, उसे इस ओरिएंटेशन में जो 180 डिग्री वाली है, ऐसे पकड़ के रखना है। और फिर आपने इसका पावर बटन को होल्ड करना 5 सेकंड के लिए, और ये गिम्बल स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये गिम्बल बिल्कुल स्टार्ट हो चुका, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इसकी जॉयस्टिक यूज़ करके इसे ऐसे मूव कर सकते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन से काफ़ी बढ़िया बात है। और अगर आपको इसकी ऐप के बारे में बताऊँ ना, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से आपको एक ऐप मिलेगी जिसका नाम है मार्सोर, आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जी हाँ, ये ऐप है जिसका नाम है मार्सोर। तो करना क्या है, आपको जाना है कनेक्ट डिवाइस पे, ये बोलेगा ब्लूटूथ को ऑन कर लो, वो तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही ये सर्चिंग स्टार्ट करेगा ना, इसे मार्सोर ग्लाइड जो है मिल जाएगी। अभी ये कनेक्ट हो चुका है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती हैं, स्टेबलाइजर, आप जूम की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, फिर स्टेप वो हो जाता है। देन आपको वीडियो की रेजोल्यूशन, उसकी फोकसिंग कैसी रखनी है, उसकी भी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट टाइम लैप्स का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, टाइम लैप्स मूव का ऑप्शन मिलता है। अब ये कैसे काम करता है, सपोज़ करिए आपने ये एक सीन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर दूसरी डायरेक्शन में आपने दूसरा सीन सेलेक्ट कर लिया। अगर आप नेक्स्ट दबाओगे, फिर स्टार्ट करोगे, तो ये वो वाला चीज़ लेनी स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी एफिशिएंटली उसे लेता है, एंड अब ये मूव कर रहा है। आप कहीं पर भी इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट मैं इस वीडियो के लिए इसे नहीं करूँगा। जैसे ही आप मोड बटन दबाएंगे ना, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर पैन फॉलो आ गया है अभी, ठीक है, फिर आ गया है यहाँ पर लॉक मोड। उसके बाद अगर आप ये ओरिएंटेशन स्विच वाला बटन दबाओगे, तो ये देखो ऐसे ओरिएंटेशन चेंज कर लेगा, और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। फिर दबाएंगे तो फिर ये ओरिएंटेशन चेंज कर लेगा। यहाँ से अगर आप करोगे, तो ये जो है जूम कर लेगा, जूम का ये स्लाइडर है। तो यार अभी तो इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स होगी, इसमें ऑब्जेक्ट फेशियल ट्रैकिंग है, जो कि ये काफ़ी इजीली कर लेता है। अभी मैं जल्दी से आपको सैंपल दिखाता हूँ और बताता हूँ ये गिम्बल है कैसी। Thank you.
और दोस्तों अब आपने ओवरऑल ये गिम्बल को देख ही लिया, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी कमाल की गिम्बल है जो कि इस बजट में आती है। बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करती है, बैटरी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, तकरीबन 7 घंटे की आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। काफ़ी ईजी टू यूज़ ये गिम्बल है, तो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है इसे परचेज करने का, डेफिनेटली वहाँ से अगर आप परचेज करेंगे चैनल की हेल्प हो जाएगी। गियर बेस्ट से लेने में कोई भी दिक्कत आए तो भाई मेरे से पूछ लेना, आपको मैं हेल्प कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट क्वेरी फीडबैक कुछ भी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दो। इस वाले वीडियो में केवल इतना ही था, अब देखते रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।